छोटी वाली भी कर लेती है काम तो। कौन सी छोटी वाली? सोहन की जो करे ना, हाँ। वो भी कर लेती है काम। हम मम्मी ने बनाया है यहाँ पे और स्पेशल दाल बाटी बनी है हमारी महक के लिए। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं समोसे पैक करवाने के लिए और देख लो भैया निकाल रहे हैं गरम गरम समोसे यहाँ पे, और साथ में हम लोगों ने एक यहाँ पे फेंटा भी ली छोटी सी क्योंकि और डाइजेशन भी सही रहेगा यहाँ से। देख लो भाई निकाल रहे हैं, चलो पैक करा के देख के चलते हैं। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। सो गाइस आज खाने में बनता है देखिए यहाँ पर दाल, क्योंकि ना रात को हमने बनाया था मतलब दाल बाफली थे तो बाफली तो रखे हुए हैं तो दाल खत्म हो गई थी तो दाल यहाँ पर बना रहे हैं, और क्योंकि ना इनका और सोहन भैया का तो उपास है इसीलिए तो उनके फरियाद की तैयारी भी यहाँ पर हो रही है। आलू वगैरह छिलना है अभी, और उधर साबुदाने भी गलाक मैंने रख दिए हैं, और यहाँ पर फली के दाने भी सेक रहे हैं। अरे मत खाओ आप, क्यों मम्मी खाने नहीं दे रही यार। अरे तू खत्म कर देगा भी उसमें फरियाद नहीं बचे हैं बस, अभी फरियाद दाने खत्म हो गए। अरे तो और सीख लेंगे यार, वही तो बोल रही हूँ दाने खत्म हो गए यार। हाँ तो ले आएंगे उसको, जाओ ले लेता है। हाँ तो अच्छे लगते हैं यार, आज तो ट्रेन में चलेगा। अरे तो मैं लेके आऊंगा ना अभी, अभी ले आएंगे वापस से। हाँ थोड़े तो दो खाने के लिए, नहीं थोड़े नहीं अब पूरे खत्म करो, लेके आना। हाँ ठीक है लेके आना ही है, ऐसा नहीं है नहीं लाना। देखो गाइस कल बाफले जो बनाए थे कैसे बने थे, बड़े बड़े इतने बड़े बाफले कौन बनाता है? मम्मी मम्मी बना, मैं बनाती हूँ इतना बड़े। ये तो एक एक पार्ट है, मतलब इतना बड़ा बनाया था भाई। देख लो अब इसको अच्छे से घी में फ्राई करेगी। फ्राई करूंगी हाँ। मम्मी ने तो नहीं। नहीं। ये तो ताजा फ्राई करके खा लो तो अच्छा लगता है। अब हमारा तो क्या उपास है, वो आप ही लोग खाओगे पापा और आप सब। हाँ, हम तीनों को हो जाएगा एक में कंप्लीट हो जाएंगे ना, इसीलिए तो इतना बड़ा बड़ा बनाया था। आपने खा लिया ना रात को तो चुपचाप रहो। देखो मम्मी मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ पांच बनाए थे तो एक बचा है, चार तो हो गए थे खत्म, एक बचा है तो हम हो जाएगा तीनों को हो जाएगा। और इधर देखो हमारे लिए तो कई साबुदाने गिला दी है मम्मी ने, खिचड़ी बनाई है मम्मी आज, बंटी काका के लिए भी यही खिचड़ी बनने वाली है। हाँ, है ना। हाँ, सोहन और दोनों गए हुए काका, काका और दोनों हाथ की पसंद है। हाँ ना, इसलिए पहले बोलते हैं वो कि भाभी एक कटोरी मेरे लिए बनाना। हाँ आज सोहन और दोनों काका दोनों गए हुए हैं कहीं मंदिर अच्छे दर्शन करने के लिए। हाँ। वो लोग तो निकल गए तो अभी हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे महक और दोनों। हाँ। जब तक खाना वाना तैयार हो जाएगा तब तक। क्यों महक खाना क्या करा है मम्मी, क्या हुआ ये? कुकर की ना रिंग निकल गई। अच्छा रिंग निकल गई, देखो तो गाइस क्या हुआ ये, उड़ गया पूरा दाल वाल सब खराब हो गई। क्या करा महक ये, मैं तो उधर थी वो थोड़ा है ना डिस्टर्ब हो जाता थोड़ा सा कि इधर ज्यादा कर दिया। हाँ। तो उधर से खाली जगह मिल गई तो रिंग ऊपर आके और सारी दाल वाल पूरा दाल वापस से बनानी पड़ेगी। पानी उड़ गया पूरा, पानी उड़ गया तो फिर टेस्ट ही नहीं आएगा। फिर इसको रिपेयर करवा लेना मम्मी टाइम से, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत दे देगा ये किसी दिन। हाँ देगा इसके वो इस हिसाब से बात है ना, खतरनाक उड़ रहा था। हाँ। तो मैं मम्मी बंद करके इधर आ जाओ बोले फूटा तो फूट जाएगा। अरे नहीं मम्मी ध्यान रखो, नहीं तो एकदम से ऊपर उछल जाए तो फिर वो रिंग निकल जाती है तो ढक्कन भी निकल जाता है, एक तरफ से रिंग निकल के मैंने तुरंत कुकर कैसे रिसेंटली दिखाया था मैंने तुमको कुछ दिन पहले ही कुकर का तो रिस्क लेना ही नहीं मम्मी। अभी देखो बच गया वो तो, ये पानी निकला नहीं तो कुकर उड़ जाता, तो वही तो वो चेंज करवा लेंगे आज ही उसको। करवा लेना, जब मैं खरीद रही थी कुकर तो पापा ने टोक लगाई ओरिजिनल कंपनी का खरीदेंगे, उनको कंपनी का बहुत चलता है। और फिर वो आज तक नहीं आया। हाँ नहीं आया, वो तीन महीने निकल गए। बताओ पापा तो ऐसे टाले दे देते हैं धीरे से ना। और क्या, इसलिए तो अब देखो नहीं है, अब वो वहां से सीटी लगी तो ये पूरा
जय भाई साज कहाँ चढ़ी है हमारी मैडम जी, क्या कर रहे थे वो पूरा छीटा दीवार दीवार सब हो गई भाई गंदी मेरी हो गई गंदी। देखो हमें इतनी अच्छी बहू मिलेगी जो काम करती रहती है दिन भर। हाँ कर लेती है, काम वाम का तो नहीं है टेंशन। ये कितना काम करती है मेरे साथ, मेरे को देख देख के और ज्यादा ट्रेन हो गई। हाँ ना हाँ। मैं एक तो अच्छे से कर ही लेती हूँ, कर लेती है। हाँ। छोटी वाली भी कर लेती है काम तो। कौन सी छोटी वाली? सोहन की जो करे ना। हाँ। वो भी कर लेती है काम वाम तो, लेकिन अभी उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा क्योंकि अभी पढ़ाई चल रही है उसकी, इसलिए। हाँ। और गर्मी की छुट्टियों में तो कर लेती हो, मम्मी कैसे बनाते हो कैसे नहीं बनाते हो फिर वो भी बना के खिला देती है। हाँ। तो काम आता है ना मम्मी सब? हाँ सब आता, कर लेती है वो। क्या क्या है? क्या क्या? बर्तन मांजना, कपड़े खुद के तो वो है ना, नहा के तुरंत कपड़े धो के जाती है, किसी के भरोसे नहीं रहती, उसकी मम्मी के भी भरोसे नहीं रहती है। हाँ धो लेती हो कपड़े पे। हाँ जी क्या क्या हुआ, खुश हो रही मैं एक तो? हाँ। अच्छा मैं एक तो पार्टी में इंतजार कर रही हूँ। हाँ। अच्छा हाँ। सच में? सही में शक्ल देख के तो नहीं लग रही है सच में इंतजार कर रही हूँ। हाँ। कोई आए ताकि काम से फ्री हो जाऊँ ऐसा? अभी तो ऐसा नहीं हो रही है, उसको थोड़ी लौट देंगे। अभी तो पढ़ाई चल रही है, सोहन की भी चल रही है, उसकी भी चल रही है, तो अभी तो टाइम है। अपन को भी इतनी जल्दी नहीं है, उनको भी जल्दी नहीं है, अभी पढ़ लें तो अच्छे से पढ़ लेंगे तो कुछ कर लेंगे। हाँ सही क्यों है, सही है ना? सही बोला ना मम्मी, अभी पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई करने दो। हाँ अपन नहीं पढ़ पाए उसको तो पढ़ने दो। सही तो पढ़े। और इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी का प्यार जो है बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हो? मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ। हाँ मैं तो नहीं, मेरे लिए तो सभी बराबर ही है, बराबर ही। मम्मी हम दोनों मिलके करेंगे, मैं ऐसा फर्क नहीं रखती हूँ, बच्चों में भी नहीं रखती हूँ तो बहू उनमें भी नहीं रखती हूँ। सब एक समान। देखो वो अच्छे से रहेगी तो हम मम्मी ने हम दोनों और ज्यादा प्यार देंगे। हाँ सही है ना, छोटी है तो वैसे भी सबको प्यार तो देना ही पड़ेगा सबको। हाँ और महक को तो सबको लेके चलना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि महक सबसे बड़ी है भाई घर में, क्यों महक? हाँ। सही है ना, सही है। सबको लेके चलना पड़ेगा, जवाबदारी और जिम्मेदारी है सबको निभा के चलना पड़ेगा, घर का काम से लेके सारी चीजें जो अपना रियल काम है उसको भी करना पड़ेगा। नहीं सभी करना पड़ेगा। हाँ सभी करना पड़ेगा। अच्छा है भाई, कार करते रहना चाहिए काम तो। हो गई अरे ये उड़ा ना। हाँ। में गया। बर्गर खाया था नहीं तूने? बर्गर से थोड़ी होती सर्दी। हाँ चावल भी खाए थे, चावल खाए थे मैंने तो। चावल से और बर्गर से भी तो होती है, बर्गर के अंदर वो प्याज वगैरह। हाँ, सब कुछ डाला रहता है, मेयोनीज वगैरह। मैं ना रात को निकाल रही थी, आपने बोला अच्छा लगेगा, निकालू मैं निकालू। अच्छा इसको तो जल्दी एलर्जी होती है, इसको कहते हैं उसको। अभी छुपा रही धीरे से है ना वो तो मम्मी ने चुपचाप बर्गर वर्गर खा खुआ के कम्प्लीट है ना। वो भी मेरे को बोल रही थी अरे मम्मी बर्गर से थोड़ी होती है। हाँ क्यों मैं नहीं होती बर्गर से, वो मैंने तो मंगाया था आप लेके खाने को तो सब दे दो, बर्गर बर्गर सब खा लेती, जंक फूड का ज्यादा शौक है भाई। हाँ है ना, तो फिर मैं ही कंट्रोल करके रखती हूँ, मैं ही नहीं खा पाती हूँ बाहर की चीज। आदत नहीं है ना। सो गाइस देख सकते हो कि ये खाना आज मम्मी ने बनाया है यहाँ पे, और स्पेशल दाल बाटी बनी है हमारी महक के लिए। हाँ। क्या शर्मा रही है ज्यादा? नहीं दाल वाफले। अच्छा दाल वाफले हैं। क्या बात है, वाफले और चटनी है। अच्छा चटनी भी बनाई है। हाँ। सो गाइस देख लो ये है हमारी मम्मी और ये हमारी महक, आज दोनों साथ में बैठे हुए कैसे लग रहे हैं आप देख लो है ना। और इधर पापा भी बैठे हुए हैं देख लो। ये लड़की में लगा हुआ है, सोल तो लगा हुआ है, चलो उसका तो काम ही यही है।
चलो ये खाना है गाइस आज, और अब सब मिलके खाएंगे थोड़ी देर बाद इसको, है ना, फिर बताएंगे आपको आगे। इतना शर्म आ रही है, मैं देखो लो गाइस बोलने के लिए मन रही है ना क्यों।